इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। मैं अपने शुरुआत किया उतार रहे ऐलान कर रहे जब से गैर हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। ओह अवाम छिपकर ये भाई है। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने ये सारे चोर आ गए हैं वापस। मैं सारी कौम को वार्न भाई कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमरीकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को लो कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया तकबर सुने जरा तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता है अगर कामयाब हो गया हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। ओ अमरीकनों हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। यही चीज मांगते हैं। सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही 20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं। ये बिक रहे हैं पत्थरों की तरह। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमरीका को बेच देंगे क्या कहा मैंने एब्सोल्युटली नॉट। आप मेरे से कोई और उम्मीद रखे थे। मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ। कौन सा मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता। 80,000 हमारे लोग शहीद हुए। 40 अरब रुपए के FIA में और NAB में केसेस हैं और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। 30 साल से ये दो खानदान इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब अल्लाह ने आपको पर दिए उल्टे के लिए तो क्यों जमीन पे चूटियों की तरह रींग रहे हो। ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों जेल में डाल लो जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बशूर को हमको एक गुलाम बनाए जा रही। इनको नहीं पता कि क्या बिल्कुल एक इंसानों का जुनून आने वाला है। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए मेरे पाकिस्तानियों एक नया मुल्क उठ रहा है। हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं। पाकिस्तानियों मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। कि क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। जेरी ब्लॉसम कहता है कि भिखारियों को गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलाम हो हम गुलाम नहीं है। ये ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूँ सिवाय अल्लाह के और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। इंसान को अल्लाह ने सब दिया था तो क्या जरूरत पड़ी थी 26 साल अपनी जिंदगी के गंदे लोगों के साथ मथा लगाए। Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. My belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है जब चारों तरफ से आवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ ना उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा। अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया। पाकिस्तान की पहचान है आप। पाकिस्तान की शान है आप। पाकिस्तान की जान है आप। पाकिस्तान के